बंगाली इंडस्ट्री की तरफ से अब पहली पैन इंडिया मूवी रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है चंगेज, और ये मूवी रिलीज होगी 21 अप्रैल के दिन। पर दोस्तों आज इसका एक हिंदी टीजर रिलीज किया गया जिसकी अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो 51 सेकंड है। और लिटरली मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसको देखने के बाद सबसे पहले जो मेरे दिमाग के अंदर थॉट आया वो ये लग रहा है कि भैया अब जो है क्रिएट हो रही है एक असली इंडियन सिनेमा, जिसको हम इंडियन सिनेमा कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी तक तो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री राज कर रही थी जो कि बॉलीवुड थी, और उसके बाद मतलब अपनी साउथ की इंडस्ट्री आई। पर दोस्तों अब जो है जिस तरह से दमन आई उसके बाद उड़िया इंडस्ट्री से, और अब निकल के आई है चंगेज। देखो चंगेज की अगर मैंने टीजर के बारे में बात करूं तो ये टीजर एक ऐसा टीजर था जिसकी लेंथ तो काफी कम थी, बट दोस्तों इस टीजर के अंदर जो भी हमें दिखाया गया वो बिल्कुल बहुत ज्यादा परफेक्ट नजर आया। लिटरली मैं बहुत ज्यादा पॉइंट पे भी बात करने वाला हूं, बट दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इसकी डबिंग की। क्यों दोस्तों, हिंदी डबिंग जो इसकी दिखाई गई है वो लिटरली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और सबसे ज्यादा गेम तब क्रिएट होता है जब हमें पता चलता है इसके जो स्टार है, इसके जो एक्टर है जीत सर, उन्होंने ही इसकी हिंदी डबिंग की है। लिटरली उन्होंने ही इसकी हिंदी डबिंग की है, और वो बहुत ज्यादा मुझे इंप्रेस करती हुई नजर आती है। मतलब जो हम जो मूवी देखेंगे तो हमें भी जो वो टीजर के अंदर वो रियलिस्टिक चीजें फील हुई है वही जो है मूवी के अंदर भी फील होगी। और दोस्तों यही देख लेना आप, वो हिंदी ऑडियंस को काफी ज्यादा भाने वाली है और पसंद आने वाली है। देखो अगर मैं बात करूं किसी का भाई किसी की जान मूवी के साथ इस मूवी का क्लैश होने वाला है, बट दोस्तों मैं एक चीज कह सकता हूं कि जिस तरह से अगर टीजर दिखाया गया है और सेम टू सेम अगर उसी तरह की मूवी हुई तो मैं कह सकता हूं भैया कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो मूवी आने वाली किसी की भाई किसी की जान को पीछे भी छोड़ने का दम रखती है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे वैसे भी मासी मूवी लोग पसंद करते हैं, और मुझे लगता है इस मूवी के अंदर सब चीज है जो एक अच्छी मूवी में होना चाहिए। अब मैं बात करूं इस टीजर से रिलेटेड तो सबसे पहले मैं बात करूं एक्टिंग की, मतलब एक्टर की। देखो अगर जीत सर की हम बात करें तो वो बहुत बड़े सुपरस्टार है, उसका जो इसके अंदर लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। जो 90s का एरा इसमें क्रिएट किया गया है वो नजर आ रहा है, और लिटरली सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं फील हो रहा है कि इसको क्रिएट किया गया है, ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा रियल है। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी इस टीजर के अंदर वो ये था कि जितने भी एक्शन सीन्स इस टीजर के अंदर दिखाए गए हैं उसको देखते टाइम आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक्शन सीन्स आपने कहीं पे किसी भी मूवी के अंदर देखे हैं। लिटरली वो चीज मैंने देखी कि मतलब जो भी एक्शन सीन्स इसके अंदर दिखाए गए हैं, वो चाकू को घुमाना उसके बाद चाकू मारना, आपको मतलब देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये एक्शन सीन्स आपने शायद कहीं किसी मूवी में देखा है। तो वो रियलिस्टिक जो है चीजें इस फिल्म के अंदर काफी ज्यादा इस फिल्म को सपोर्ट करने वाली है। मतलब दोस्तों मैं बात करूं सिनेमाटोग्राफी की भी तो बताइए जो कैमरा एंगल्स इसके यूज किए गए हैं वो भी काफी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो मैं बात करूं इस फिल्म के बारे में कि किस तरह से इस फिल्म का प्रोसेस होने वाला है। देखो अगर मैं बात करूं डायलॉग्स का तो भैया इस फिल्म का जो डायलॉग एक है वो मतलब इस टीजर के अंदर दिखाया गया है और वो कमाल कर रहा है, लिटरली वो कमाल कर रहा है। वो डायलॉग सारे लोगों को पसंद आ रहा है, जिन जिन लोगों ने उस डायलॉग को सुना है वो वाला डायलॉग है ना कि चंगेज है ना कल, चंगेज का ना कल होता है ना परसों, नहीं चंगेज का ना कल आज होता है ना कल होता है, चंगेज का युग होता है, युग होता है, मतलब युग होता है, वो डायलॉग अगर इसी तरीके के इस फिल्म के अंदर भरे गए हैं तो लिटरली ये फिल्म भाई धमाल पैकेज होने वाली है और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होने वाली है। लिटरली मैं कहूँ कि भैया यह फिल्म जो है पूरे इंडिया पर राज करेगी अगर इसी तरह के डायलॉग इस फिल्म के अंदर और ज्यादा भरे गए हैं। और अगर मैं बात करूँ इस फिल्म की बीजीएम तो लिटरली बीजीएम भी काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आता है। अब देखो कहीं ना कहीं पे थोड़ा वीएफएक्स का पॉइंट लगेगा, पर दोस्तों आप खुद भी सोचिए एक बहुत ही कम बजट की मूवी है तो इतना वीएफएक्स जो उन्होंने दिया है वो काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आता है। लिटरली मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो टीजर है ये वेल कट टीजर है, एक वेल कट टीजर होने के साथ साथ एक बहुत परफेक्ट काम हमें इसमें देखने के लिए मिला, चाहे वो डायरेक्शन का हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी का हो, चाहे वो एक्टर्स की एक्टिंग हो, या फिर वो हो हिंदी डबिंग की। तो लिटरली मैं कहना चाहूंगा इस फिल्म के लिए भैया मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, जल्द से जल्द इसका ट्रेलर देखने के लिए मिल जाए और ये फिल्म देखने के लिए मिल जाए, और फिर बात करेंगे कि कितनी बड़ी मास्टरपीस ये निकल के आती है। उम्मीद बहुत है इस फिल्म से। अगर आपने इसका टीजर देख लिया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये टीजर कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।